अस्सलामुअलैकुम बनने जा रहा है हरी मिर्च का अचार, बहुत मजे का और बहुत डिलीशियस होता है। और ये दाल चावल के साथ और सिर्फ किसी किस्म के भी चावलों के साथ हरी मिर्च का अचार मुझे बहुत पसंद है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और घर में साफ सुथरा बनाएं और खुद भी इंजॉय करें और घर वालों को भी दें। तो हम बनाते हैं, इसके इंग्रीडियंट्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने मिर्च ले ली है और ये मोटे वाली ली है, इससे मैं अचार बनाऊंगी। बारीक मिर्च कड़वी होती है, ये कड़वी नहीं होती, अचार इसी मिर्च का डलता है, ये इतनी मोटी मोटी सी होती है। इसमें इसके साथ जो चीज मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ले लिया मेथी दाना, 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें सौंफ ले ली है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लिया है कलमंजी, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ले लिया है राई दाना। उसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च लिया, ये ऑप्शनल है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ले लिया। ये तमाम मसाले मोटे मोटे से मैं कूटूंगी, बारीक पाउडर नहीं बनाना है इन्हें आपने चॉपर वगैरह में डाल के नहीं पीसना वरना पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे। इन्हें हाथ से ही आपने कुंडी डंडे के साथ पीसना है और मोटा मोटा सा पीसना है, ठीक है। इनको मोटा मोटा पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम मसाले मैंने मोटे मोटे से कूट लिए हैं, देखें पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये मोटे मोटे से दरदरे से मैंने पीसे हैं। अब जो मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी और आपको सुरख मिर्च बताई थी, सुरख मिर्च ऑप्शनल है, मैं डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ज्यादा तीखा पसंद है इसलिए। तो आप ये सब इसमें डालें, इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको मैं मिर्चों को इस तरह से कट लगाऊंगी, ये मैंने कट लगा के इसके अंदर मैं भरती हूँ, साथ आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कट लगा के मैंने इसके अंदर में ये थोड़ा थोड़ा सा मसाला इस तरह से भरते जाना है हमें। ये सारी मिर्चों में मैं मसाला भर लूँ अच्छी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्चों में मैंने तमाम में मसाला भर दिया। मिर्चों की क्वांटिटी में बताना भूल गई थी, मैंने तकरीबन 3 पाव मिर्चें ली हैं और इतना ही मैंने ऑयल लिया। जरूरत पड़ी तो मैं ऑयल और यूज कर लूंगी, अदरवाइज इतना भी इंशाल्लाह काफी होगा। ये मैंने एक मिट्टी का मर्तबान ले लिया, मैं इसके अंदर ये इजीली किसी भी उससे शॉप से आपको मिट्टी के जहां बर्तन हो वहां से मिल जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर मुझे इस तरह से मिर्चें, ये देखें मैंने मसाला भर के इन्हें बंद किया हुआ है, ये खुद ही हल्का सा इनको काट दिया मैंने। इनको मैं इसके अंदर रखती जाऊंगी, तमाम मिर्चें इसके अंदर रख के मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम की तमाम हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ और ऑयल मुझे इतना डालना है कि हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये हमारी जितनी मिर्चें हैं ये सारी डूब जाएं। और चाहिए होगा तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी, मेरे पास इलादा से पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल ऐड करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने तमाम मिर्चें ऐड कर दी हैं, 3 पाव मिर्चें और तकरीबन मैंने 1 किलो इसमें ऑयल डाला है। तो ये देखें ये इसके अंदर अच्छा डिप हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। ये 4 से 5 दिन मैं इसको धूप में रखूंगी, इसमें मलमल का कपड़ा बांध दूंगी। अभी वैसे तो इसकी ये कैप सी भी है लेकिन जब धूप में रखूंगी तो मैं इसमें कपड़ा मलमल का बांध के रखूंगी। 4 से 5 दिन में इंशाल्लाह हमारा ये जो अचार है ये रेडी हो जाएगा। आप बनाएं। अल्लाह हाफिज़।